अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों अज असी मौजूद हाँ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज जिहड़ा कि वाकया वे गोंदलांवाला गाँव तो अज का विलाग जिहड़ा है ना ये थोड़ा जा मुख्तलिफ होएगा जिस तरह के पहले असी विलाग बनाए ने या जिहड़े तुसीं देखे ने ना ये उन्हां तों थोड़ा जा मुख्तलिफ है। ये तुहानूं सिर्फ थोड़ा जा सहाफती रंग नज़र आएगा चाहे जाए कि मैं कोई सहाफत नाल मेरा तालक नहीं ना ही कोई सहाफत दे असरार और रमूज नाल सानूं कोई वाकफियत है। ये विलाग बनाने का मकसद सिर्फ चंद दोस्त जिहड़े दूसरे शहरां च ने या गुजरांवाला दे ने जिहड़े इत्थे जिन्हां दा कोई काम है या कोई आना चाहते हैं उन्हां वास्ते सी कि जी तुहानूं इनफॉर्मेशन दिओ सानूं इनफॉर्मेशन दिओ इत्थों दी कि इत्थे किवें आया जा सकदा किहड़ा रस्ता बेहतर है तो दूसरा सी कि बिजनेस डिवेलपमेंट इत्थे किन्नी क हो चुकी है बिजनेस की अपरचुनिटीज़ इत्थे हैं ने कि नहीं है की सहूलतां मौजूद ने। कोशिश करांगे किसी हॉस्पिटल के अंदरों भी इनफॉर्मेशन कोई कलैक्ट करिए अगर सानू कोई एक्सेस मिली तो लेकिन बाहर का आला दुआला तुहानू जरूर विखावांगे। तो दूसरा क्योंकि वेखो तुहाडे सामने कि यह बिल्कुल शहर के ना एक कोने ते बनया जिहड़े लोग तो इस साइड ते रहिंदे ने गुजरांवाला दी मगरबी साइड ते उन्हां वास्ते तो बड़ी सहूलत है मगरब वाली साइड ते हो गए या शुमाल वाली साइड ते हो गए ठीक है जिन्हों तुसीं पंजाबी जबान च पहलो कह लवो कि पहाड़ वाली साइड तो लेंदे वाली साइड लेकिन जिहड़ी इहदे अगर दूसरे एंड ते तुसीं देखोगे जिहड़ी साडी मशरक वाली साइड है या जिहड़ी साडी जनूब वाली साइड है उन्हां वास्ते दिक्कत है वो इत्थे किस तरह ईजी पहुँच सकते हैं किहड़ियां-किहड़ियां सहूलतां ने किहड़ा रस्ता इख्तियार करन वो इंशाल्लाह अगे चल के तुहानूं दिखाने भी हाँ किराए की ने एंबूलेंस सहूलत मुयसर है खाण पीन के की इंतजाम ने वो इंशाल्लाह तुहानूं अगली वीडियो दे विच सारा तुहानूं नाल नाल विखाने। साडे नाल उस्मान भट्ट साहब मौजूद ने उस्मान भट्ट साहब का यह जिहड़ा पॉइंट है कुल्फी भट्ट साहब उस्मान कुल्फी के नाम तो उस्मान कुल्फी के नाम तो मशहूर है ये उस वक्त इत्थे मौजूद है कि जो इत्थे मेडिकल कॉलेज की बुनियाद भी नहीं रखी गई मेडिकल जिहड़ा हॉस्पिटल है तो हुण शिफ्ट होया तो भट्ट साहब को पुछांगे कि भट्ट साहब तुसां की तब्दीली वेखी तो यह थोड़ा जिहा भट्ट साहब अपना इजहार ख्याल करनगे। जी भट्ट साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी जी मैं इत्थे जो काम शुरू किया 2000 सन दे विच स्टार्ट किया सी इह जगह मैं खरीदी सी उदों तकरीबन 1 लाख रुपए की 3 मरले तो अलहमदुल्ला उदों इत्थे कोई चीज़ नहीं सी है जदों दा मैं इत्थे डेरा लाया सही गल बिल्कुल शुरू की है कोई चीज़ नहीं लेकिन मैं अल्लाह के फजल नाल ईमानदारी का दमन नहीं छड़िया कुल्फियां ते दुध वाली बोतल बेचने असी ये खालस बेचना शुरू तो ही कोई चीज़ इत्थे नहीं सी है साढ़े तो बाद ये मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट जिहड़ा शुरू होया जो प्रोजेक्ट शुरू होया उस तो बाद इत्थे जिहड़ी इन्हां जमीना जायदादा बड़ियां महंगी हो गई ने आस पास के जिन्हें भी करीबी लोग सन उन्हां दी जिहड़ियां जमीना करोड़ों दी जिहड़ियां लख जिहड़ियां दे 30 लाख की 40 लाख की पैली बेचनी है फी एकड़ उन्हां दी करोड़ों दी जायदाद हो गई है इन्हें रंग लाए ने मेडिकल वाले जे प्रोजेक्ट की वजह तो उस तो बाद फिर ये होस्पिटल का काम शुरू हो गया होस्पिटल दे विच भी फिर 1000 बैड का ये होस्पिटल माशाला स्टार्ट होया तो जो शुरू होया शहर वाला होस्पिटल बंद हो गए इनू फिर इधर सारा शिफ्ट हो गया उस तो बाद मजीद होर भट्ट साहब इतने मैं एक होर गल करा कि हम जिम्मे सुनने के आ रहा कि सिर्फ 4 माह शिफ्ट होया मेरा ख्याल है कि सिर्फ आवाम को लालीपाप दिता गया क्योंकि आवाम एहतजाज ना करे तो 4 महीने की गल सुना के ये मुस्तकिल बुनियादा तो ही जो मेन हॉस्पिटल है वह यही होगा तो हो सकता उत्थे एक छोटा हॉस्पिटल उत्थे जो गुजरांवाला रह जाए तो इतने बैठे हो कि लोगों की इतने तासरात ने असल जी गल जो अंदर अफसर ने ना वही जानते हैं अभी बाहर बैठे बंदे तो अपना क्या फाई अंदाजा ही ला सकते हैं लेकिन ये नज़र आता है कि गौरमेंट ने 1000 रुपये लाए ने किस मकसद वास्ते लाए ने इनू बंद तो नहीं गौरमेंट ने कर देना ये हो सकता है कि ये भी चले तो वह भी चले लेकिन असल मेन काम इधर हैगा क्योंकि इतने इमारत जी बनी है बाहर के सिस्टम के बाहर के इमारतों की तरफा जिमें बिल्कुल सही है जिन्नी डिवेल अंदर बेहतरीन करके जिन्ने खुले खुले फुल एसी है इस टाइम जो सियाल च फुल हीटर है बड़ा वधिया माहौल है जिवें बाहर दे मुल्कां दे होस्पिटल हुंदे ने बिल्कुल उहदे अंदाज़ च बनाया इन्होंने इहनूं बिल्कुल बंद ते नहीं करना 1000 रुपया इत्थे गौरमेंट ने लाया इस मनसूबे ते। मैं दोस्तों थोड़े दिन पहला ना इत्थे भट्ट साहब नाल मुलाकात होई असी इत्थे ते भट्ट साहब एक होर जिक्र करदे हन पे वेखो हर बंदे दी अपनी अपनी सोच है कुछ बंदे सोचण दे ने कि साडे वास्ते इत्थे साडी प्रॉपर्टी महंगी हो गई साडा बिजनेस वध जाएगा ते भट्ट साहब उस दिन बड़ी सोहनी गल पे करदे हन आंदे यार अगे वी बड़ा अल्लाह दा शुक्र सी जिन्नी जरूरत सी रब उन्नी देंदा सी पिया
लेकिन हुण सारी दिहाड़ी की हो गया कि साडा इत्थे दिल ही दुखदा रहिंदा, परेशानी रहिंदी है, हर वक्त एंबूलेंस, हर वक्त कोई लाश आ रही है, कोई जा रही है, सानू इंज दी बड़ी परेशानी बन गई। अस सुकून वास्ते आए हाँ, लेकिन इत्थे रंग ही होर बन गया। क्यों जी भाई साहब? बस इंज ही है जी, हर वक्त को लोग आउंदे ने परेशान, मुसीबत ज़्यादा लोग इत्थे आउंदे ने इलाज कराउण आउंदे, किसी की फौतगी हो जाती है, डैथ हो जाती है, बेचारे परेशान हो के लोग जाते हैं। लेकिन आस पास के साडे जिहड़े आंढी गुआंढी ने उन्हां दी लाटरी लगी है, वो आते हैं जी, मजबूर लोग आते हैं, इन्हों अपन चीज़ा भी महंगा तो मन मर्जी का रेट ने, तो मजबूर लोग ने बेचारे खा के महंगी चीज़ लैके टुर जाते हैं। लेकिन ये वेखे खुदा खौफी बहुत घट गई है इन लोगों के। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बाट साहब, अल्लाह ताला तुहाडे रिज़क च भी बरकत पाए। तो बाकी दोस्तों इंशाल्लाह अगे भी तुहानू विखाने आ। तुहाडे सामने जिहड़ी ये सड़क आ रही है ना, यह गोंदलां वाला पिंड दे विचों लंघ के आती है भाई, तो यह जिहड़ी सड़क है दूसरी साइड ते आ वेखो, यह नहर के बिल्कुल नाल नाल है, जिहड़ा लोहियां वाला बाईपास है ना, लोहियां वाला बाईपास तो जिहड़ी नहर तुहानू नज़र आती है, वो जिहड़ी राह वाली तरफ पटरी है, उस पटरी से अगर तुम आओ तो बिल्कुल सीधा इतने पहुँच दौ। बल्कि मैं तो तुम्हें रिकमेंड कराँगा कि अगर तुम शहर तो आना गुजरांवाला तो अंदर वाला रस्ता कभी ना इस्तेमाल कर जे, ये सारा रस्ता टुटा, खास तौर पर अलीपुर चौक तो लैके जो तुम इतों तक आते हो गोंदलांवाला तक आते हैं, तो जोड़ा कोई बंदा मरीज़ ना भी हो भी मरीज़ बन जाता, वोदे बेहतर है कि तुम यह जरा लोहिया वाला बाईपास तो गड्डिया जो तुम्हें आदि नज़र आ रही है, तुम यह वाला रस्ता इस्तेमाल करो, यह रस्ता बेहतर है। चांद गाड़िया अगर आना हो चार पाँच सौ रुपया। दोस्तों इतने तरीकाकार इतने पहुँचने का 50 रुपये सवारी, अगर तुम अलीपुर चौक तो आवो, तो अगर तुम लोहिया वाला बाईपास की तरफ आते हो तो फिर तुम्हें जो चांद गाड़ियाँ खलोतिया ने स्पेशली आना। एंबूलेंस की सहूलत भी इतने मौजूद ने, काफ़ी सारी एंबूलेंस खलोती है, अगर खुदा ना खासा किसी एमरजेंसी बने तो पुछने साथियों इतने जो एंबूलेंस चलाते हैं। की नाम थोड़ा? सद्दाम। सद्दाम, सद्दाम भाई है अपना एंबूलेंस है थोड़ी? हाँ जी, कई डब्बा एंबूलेंस है थोड़ी। हाँ जी, दिन रात सर्विस है या सिर्फ दिन ही इतने खलोंदे आ? नहीं बोस जी, सुबह तो आने तकरीबन 11-12 बजे टुर जाने, रात दिन तकरीबन जो धुंध ज़्यादा पै जाए तो फिर तीन ही इतने खलोई दा, जो सवारी लभ जाए तो धुंध की वजह तो अं नहीं जाते हैं, नहीं भाई आने जाने का बड़ा मसला होंगे। तो जे खुदा ना खासा रात को किसी एमरजेंसी बन जाए, इतने किसी एंबूलेंस की जरूरत पवे तो फिर मरीज की कर देने? भाई एंबूलेंस खलोती रहें जो शहर दिन ना, वो बिच गड्डिया बैठे रहते हैं, शीशे चाड़ के यानी कि बात करते हैं, सो जाते हैं सुबह तक। यानी अपनी गल दस दो कि शाम को टुर जाते हो, बाकी जे शहर के बंद ने दिन रात इतने खलोते रहते हैं, अगर खुदा ना खासा जरूरत पवे तो एंबूलेंस की सहूलत मौजूद है? हाँ जी, वो सहूलत हैं, जिन्हें ऑक्सीजन मौजूद है ना, उन्होंने यह चीज़ा ने। सही सही सही, ठीक हो गया। ट्रैफिक के मसाइल ये मेरा ख्याल है कि हुण इत्थे ना एक वार्डन जरूरी है, जिन्हें रिक्शे चांद गाड़ियाँ तुहानू पता इन्हां दा ते जमहूरी हक है कि सड़क रोकना, सड़क के बिच आना, एक दूसरे तो अगे लाना चांद गाड़ी आके, तो इत्थे एक ट्रैफिक वार्डन जिहड़ा वो डिप्यूट लाजमी होना चाहिए। बाकी सारा तुहाडे जो मेरे पिछे नज़र आ रहा है, ये खाण पीन के स्टाल है, पहला तो इत्थे कोई शै ही नहीं सी, है यह हुण एकदम ही माशाल्लाह शहर इत्थे वस गया, सारिया सहूलत मौजूद ने, जो कोई मरीज इतने आते हैं या कोई रेंदन वास्ते, जिस तरह फास्ट फूड का भी इतने इंतजाम है, बाकी वो बिरयानी भी एक भाई होरी पिछे ला रहे हैं, इधर फल फ्रूट मरीजा वास्ते, यानी जो जूस शूस फ्रैश जूस भी दस्तयाब है, सारिया चीज़ा जड़िया ने इतने अवेलेबल ने, भाई होरी एक चाय शाय का निज़ाम। सलाम अलैकुम जनाब, अगे हो गए थोड़ा जहा बोलो ना। वालेकुम सलाम। हाँ जी, किन्ने का दे रहे हो चाय का कप? 50 का 60 का। ते सर्विस जी सारी मार्केट है दिन रात खुली रही है या रात को बंद हो जाती है? नहीं, खुली रही, सारी रात खुली रही है। बिल्कुल सही है जी, अगर रात को किसी को जरूरत पवे तो उन्होंने हर चीज़ दस्तियाब होंगी है। ठीक हो गया। ये साढ़े गुजरांवाला का ट्रेडमार्क जो है ना गंदगी, ये होनी साथियों ने तवज्जो दवाई है जी कि इनू जरूर हाईलाइट करो कि जिन्ना भी अंदर गंद कबाड़ है वो सारा इस कनाल दे विच इस नहर दे विच सटिया जा रहा। यह थोड़े सामने अगर तुम वेखो सारी रूढ़ी बंद जाती है, आने वाले वक्त जिन्ना इतने गंद है या जिन्ना इतने कम है ना, ये बंद हो जानी है, तो यदा भी एक गवर्नमेंट को चाहिए कोई इंतजाम कर।
प्रॉपर कोई इतने कोई जोड़ा वो बनान कूड़ादान जिते सारे एक जगह पर कूड़ा सट्टन तो उतों आ के गौरमेंट जी गौरमेंट दड्डिया कूड़ा चुक लैन। जिस तरह खाण पीन वाली सफाइया ने ना दुकाना पूरा एक शहर बस गया, इस तरह फार्मेसी का काम भी इतने अरूज पड़ गया। इतने फार्मेसियाँ हजे तो इन्ना ट्रेंड नहीं है, अजे तो लोग सिर्फ देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इतने रहा या इतों शिफ्ट हों, लेकिन वो बावजूद एक है साढ़े पिछे फार्मेसी है, अगर तुम कैमरे के देख सको बिल्कुल छोटी जी जगह लैके एक फार्मेसी अहमद मेडिकल स्टोर नज़र आ रहा उसे बना दिता है। एक है नाल ही छोटी जी न्याज फार्मेसी न्याजदीन फार्मेसी एक छोटी जी इधर बन गई, एक इस तरह कॉलेज के सामने था फार्मेसी, मेरे को तीन तो चार है फार्मेसियां ने, तो जेडे दोस्त फार्मेसी का काम इतने करना चाहते हैं उन्होंने ये मार्केट स्पेस है। झोरी बैठे ने इतने सड़क के उत्ते ही मरीजों की सहूलत वास्ते देसी आंडे ला गए तो देसी आंडे उबाल गए। चाचा जी किन्ने का दे रहे हो देसी आंडा? 50 रुपए। 50 रुपए का? हाँ जी। तो 50 रुपए का तो किन्नी देर तक बेंदे हो इतने? रात को भी बेंदे हो या सिर्फ दिन बैठे? शाम की जान तक बस। सवेरे किन्ने बजे आते हो? 8-9 बजे। 8-9 बजे आ गए तो शाम की जान तक? हाँ जी। आंडा देसी 50 रुपए का उबाल गए जो उज कि कच्चा लैना हो भी 50 का ही है? वह भी 50 का ही है। चलो जी मेहरबानी। लो जी जनाब इतने किसी ने देसी आंडा भी किसी मरीज को अगर डॉक्टर रिकमेंड कर तो देसी आंडा भी इतों मिल सकता। भाजी जी तुम आंडा खा रहे हो देसी जी? हाँ जी देसी जी। तो वलैती वाली झलकते नहीं बिच? नहीं देसी जी बाद च। मतलब कोई अपना वो देसी का कह के तो वलैती दे जाते हो? नहीं देसी दे रहे नहीं आंडा वलैती नहीं। चलो मेहरबानी। अच्छा जी प्रॉपर्टी के हवाले ना जिस तरह मैं अगर जिक्र किया कि तुहानू दसांगे इत्थे कि अगर कोई जिहड़ा दुकाना बनाना चाहन या इत्थे खरीदारी करना चाहन अपनी प्रॉपर्टी की, ताहिर जवेद साहब बैठे ने बिल्कुल मेडिकल कॉलेज, अगर तुसी दिखाओ ना सामने मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल आपोजिट सेंटर दे विच है, सिर्फ एक नहर का वो फासला है, तो सामने दुकाना या प्लाट ये की रेट ने की साइज़ ने ये ताहिर जवेद भाई तुहानू दस देने जी। ताहिर साहब की अपना तुसी इत्थे दुकाना बेच रहे हो प्लाट बेच रहे हो की मरले का रेट है जरा थोड़ा जा आवाम नू आगाही दिओ? असी विक्की साहब जिहड़ा इत्थे सामने बाहर मेन दे उपर 1 करोड़ रुपए का मरला घर दे रहे हैं जी, 225 फुट का मरला जी नहर वाले रोड, नहर वाले रोड के उपर जिहड़ियां पिछे ने 2-2 मरले दुकाना ने 70 लाख की दुकान अभी सेल कर रहे हैं जी। इस तो पिछे फिर साढ़े को 2.25 मरले दुकान है वो 80 लाख की सेल कर रहे हैं। ये साढ़े को फ्रंट वाली जगह सारी जी इतने सारी जगह ती रेट मेन रोड के उत्ते की रेट चलने? मेन रोड के उपर जो 5 मरले का पीस है तो वह भी 1 करोड़ रुपए का मरला, असं छोटे 2 मरले के हिसाब ना करने पे 1 करोड़ रुपया, वो 5-5 मरले का मांगते हैं पे 1 करोड़ रुपया मरला, उस हिसाब ना उन्होंने पीस व्डे ने इन्नी इनवैसमेंट बंदा जोड़ा ना वो घट करता तो असं उस हिसाब न पीस ही छोटे कर लेने अपने। यह रेट जो दसन डे हो यह रेट जो पहले दिन तो यही रेट नहीं या दिन ब दिन उत्ते जान डे ने रेट? ये दिन ब दिन उपर ही जा रहे हैं जी, असं भी जिस टाइम इतने बाजार अपना बना लेना इंशाला तारा साडा रेट जो नप होएगा, असं सिर्फ फिलहाल जिस तरह बंदे आ रहे हैं इन्हों इस रेट दे रहे हैं, अगों साढ़े रेट जड़ने चढ़ने ने क्योंकि नाल साढ़े को जगह इन्हों की 50 लाख मरले की वास 65 लाख मरला चले गए हैं। इतने के सामने ज़्यादातर गुजरां दी जगह हैं जिन्हें मझा मुझा रखिया ने हजे भी मैं वेना पाया हवेलियां जड़िया ने कुछ या उन्होंने वलिया ने तो नहीं वेच रही या उन्होंने सारे ने वेच के तुहानू किधर होर शिफ्ट हो गए हैं? तो वही गुजरां दी हवेलियां ने सारिया जिहड़े सेल करके गए हैं, किसी का 5 कनाल का पीस सी किसी का 8 कनाल का पीस सी, इतों कनाल वेच के अगों पैलियां खरीद रहे हैं जाके एक एक कनाल तो 2-2, 4-4 पैलियां खरीदते हैं। नाजरीन तुहाड़े सामने जिस तरह दस रहे हैं ताहिर साहब कि 1 करोड़ रुपए का मरला जिहड़ा कनाल रोड है वो उत्ते मेन जिहड़ा अलीपुर चट्ठा रोड है वह रेट भी फिल वक्त है दस रहे नहीं हो सकता जो कोई लैन जाए तो वो 1.5 करोड़ से मरला पहुँचा हो जिस तरह इन्होंने अपनी दुकान इन्हों का मैप भी शेयर करा थोड़े नाल अगर ताकि इस्तेफादा हो सके इन्हों जिस तरह डिवेलपमेंट का काम जोरों शोर से जारी है जिस तरह अगे भी भाई होर ने दसिया सी उस्मान साहब ने कि जेडे अगे 1 करोड़ रुपए का कहें सन पे अपना एकड़ तो हूँ आसमान में लग गई उन्होंने कीमतें तो साढ़े सामने भी एक कमर्शियल प्लाजा बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के सामने शुरू होया भाई साहब इतने बैठे ने तो दूसरा सामने इन्हों का बैनर भी लगा इस तरह तो होर भी जेडे कोई इतने प्रॉपर्टी के बंदे बैठे ने काम करते हैं पे कि प्रॉपर्टी के मरलों के रेट की चलते हैं पे जिन जो लोग बिजनेस इन्वेस्टमेंट के हवाले इधर देखना चाहते हैं ताकि उन्होंने भी यह वीडियो मुफीद होगी।